नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन। मैं हूं आपके साथ कनिका। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मुरादाबाद की, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, घटना के बाद पुलिस मौके पर आती है और वही रटा रटाया जवाब देती है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। आज भी ठीक ऐसा ही हुआ। चोरों ने करीब 1.5 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर आई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सर, मेरे घर रात चोरी हुई है और मेरे घर से लगभग 1.5 लाख रुपए का लगभग सोना चोरी हुआ है, जिसमें 5 पत्तियों का हार है, 4 चूड़ी है सोने की, मंगलसूत्र है, कुंडल है और नाग में जो फूल पहनते हैं वो है, और पाजेबे हैं पैर की। किस टाइम की घटना है सर? ये घटना तो रात की है, लगभग इसका कोई टाइम निर्धारित नहीं है, पर जब सुबह आकर हमने अपना कमरा खोला जब पता चला है। अच्छा, पुलिस को फ़ोन किया? जी सर, 100 नंबर को फ़ोन किया था, 100 नंबर भी आई है और दलपत्र चौकी के इंचार्ज साहब भी आए थे। कितनी देर के बाद में? सर जब ही आ गए थे तुरंत, 5-10 मिनट के बाद। किसी पे शक कोई? सर ऐसा कोई शक नहीं है, कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई हमारी। क्या चाहते हो आप? सर हम ये चाहते हैं जो हमारा सामान गया उसकी जाँच हो, और पुलिस से ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्द इन चोरों को पकड़े। कौशाम्बी पुलिस ने एक अनोखे पहल की शुरुआत की है। हमेशा कानून व्यवस्था संभालने वाली कौशाम्बी पुलिस अब नए रोल में नजर आएगी। आम जनता के बीच ईवीएम और वीवीपैट के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए पुलिस जवानों को मास्टर ट्रेनर के द्वारा बकायदा प्रशिक्षित किया गया, ताकि जवान गांव-गांव जाकर ये बता सके कि ईवीएम मशीन में कोई भी गड़बड़ी की संभावना है ही नहीं। को आज यहाँ पुलिस लाइन में बुला के ईवीएम की और वीवीपैट के बारे में बताया गया है, उसके ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। लोगों में, जनता के लोगों में एक बड़ी भ्रांति है कि जो वो वोट डालते हैं वो उस पार्टी को न जाके किसी अन्य पार्टी को जाता है। हमने पुलिस कर्मियों को दिखाया है वीवीपैट के माध्यम से कि वो जिस दल को वोट डालते हैं उसी को वोट जाता है, और इसी चीज़ का प्रचार जब वो क्षेत्र में जाएंगे, गांव भ्रमण करेंगे और इसके अलावा जो बूथ ड्यूटी करेंगे, तो लोगों के बीच में वो इस बात को बताएंगे कि नहीं, इस प्रकार की भ्रांतियाँ गलत हैं और ईवीएम सही तरीके से कार्य करती है। इसी हेतु ये ट्रेनिंग दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कितनी मदद मिलेगी? नहीं, बिल्कुल, अगर जनता में ये भ्रांति दूर हो जाए तो शांति व्यवस्था बनाए रखने में और शांतिपूर्ण मतदान कराने में ये बहुत सहायक होगा। क्या देखा, क्या सीखा जी ईवीएम बारे में? जैसे कि बहुत तो जनता में कहते हैं कि जैसे कि वोट डालो तो वो किसी और को चली जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने सीखा, जो हमने दबाया वहीं पे वहाँ पे गया है। मशीन नहीं, 7 सेकंड में हम लोग जिसको वोट देते हैं वो 20 में दिखाई दे रही है। चूँकि आप महिला पुलिसकर्मी हैं, महिलाओं में इस तरह की अवेयरनेस कम होती है, जब वो वोट डालने जाएंगे और इस तरह का आरोप लगाएंगे तो उन्हें कैसे समझाएंगे? हम उनको करके दिखाएंगे ना कि कैसे होता है उसमें। हम लोग उनको मशीन दिखा रही है डायरेक्ट कि हम लोग जिसको वोट दे रहे हैं वही जा रही है, और ये वोट, ये मशीन कोई मतलब नॉर्मल आदमी से खोल नहीं सकता है, और जो ये वोट जाएगी ये जो यहाँ से बन के आई वहीं बन सकती है और बेहतर बन नहीं सकती। ये चीज़ें महिलाओं को बताएंगे आप? नाम बता दें। लखनऊ के केजीएमयू में लगातार कर्मचारियों की दबंगई के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें दूर दराज से आए मरीजों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर देखने को मिला, जहां ककोरी से एक युवक अपनी मां को दिखाने केजीएमयू के कैंसर विभाग पहुंचा, जहां कर्मचारियों ने मिलकर कैंसर पीड़ित बुजुर्ग महिला और उसके बेटे को बेरहमी से पीटा। वहीं कर्मचारियों द्वारा बुजुर्ग महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट देख कैंसर विभाग के ओपीडी में लोगों का हुजूम उमड़ गया। बेटे को मारपीट हुई है, कर्मचारियों ने मारा, इस पर क्या? देखिए, आपके माध्यम से भी मुझे ये घटना का संज्ञान हुआ है, इसकी सटीक सूचना प्राप्त कर इसको उचित कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जो भी इसमें कोई लिप्त पाया जाता है। और ये वास्तव में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हर परिस्थिति कुछ भी आए, हम डॉक्टर्स, हम कर्मचारी जो मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें अपना बैलेंस बनाए रखना होता है। मारपीट की घटना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, तो इसका अभी हम सूचना प्राप्त करेंगे। मैं अपने यहाँ से जैसे वहाँ ओपीडी इंचार्ज हैं और कौन सा विभाग है, पूरा कंसर्न सूचना, सटीक सूचना प्राप्त करके उचित कार्रवाई करेंगे।
और सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे पूरे केजीएमयू का स्टैंड है कि मरीजों या उनके तीमारदारों से अपना व्यवहार हर हाल में अपना बैलेंस रखा जाए। ये किसी भी परिस्थिति में किसी भी डॉक्टर के लिए या किसी कर्मचारी के लिए उचित नहीं है कि जो पीड़ित लोग आते हैं उनसे इस तरह का व्यवहार किया जाए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख पर दिन दहाड़े कातिलाना हमला हुआ है। साथ ही दबंग मारपीट के बाद ब्लॉक प्रमुख की लाइसेंसी राइफल लेकर फरार हो गई। वहीं घटना के बाद ब्लॉक प्रमुख अपने तमाम समर्थकों के साथ थाने पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। क्या घटना है, क्या हुआ था सर? क्या हो, हम अपने घर से यही बजरंग नगर में रहते हैं, घर से निकले थे, उन्नाव जा रहे थे। घर से करीब 200 मीटर दूर शिव मंदिर है मालवी स्टेट में, वहाँ पर पहले से नीतू वाजपेयी और परवीन वाजपेयी और उनके साथ लगभग 20-25 लोग एक सफारी ब्लैक सफारी खड़ी थी, इसमें पीछे लिखा था ब्लॉक प्रमुख, और एक कार खड़ी थी, 4-5 मोटरसाइकिल। एक आदमी ने हमारी गाड़ी को आगे से हाथ दिया, ड्राइवर ने थोड़ा स्लो किया, हमारी खिड़की खींच के हमको बाहर खींच लिया। उधर कुछ लोग ड्राइवर को खींच लिए, एक लड़का और हमारे साथ था उसको खींच लिए, और बहुत भीषण मारपीट की और गाली दे रहे थे, कह रहे थे कि पसेओ तुम कैसे कुर्सी पर बैठे हो, ये कुर्सी खाली हमारे लिए बनी है और हमारे रिश्तेदार मंत्री हैं, तुम्हार अब कुछ ना कही भाई हो, हमारे तुमको अगर 8 दिन के अंदर इस्तीफा ना दिया तो तुम लखनऊ में नहीं रह सकते हो, लखनऊ में प्रवेश नहीं कर सकते हो, तुमको गोली से मार देंगे। और कम से कम 25 मिनट हमारे साथ मारपीट हुआ, लेथरा लेथरा पूरी रोड में 10:30-11 के बीच में थाने से लगभग 200 मीटर दूरी पर ये घटना हमारे साथ घटी, और इतना मारा हमको हमारे साथियों को कि अब हमारे शरीर किसी तरह काम का नहीं बचा, और हमें जब जाने लगे मार के तो कहने लगे कि एक सप्ताह के अंदर इस्तीफा दे देना वरना तुमको गोली से मार देंगे। और दो तीन राउंड जो है फायर भी किए जाने के समय, और जाने के समय हमारी गाड़ी में हमारे मोबाइल रखे थे वो उठा के फेंक दिए सड़क पे, राइफल रखी थी, राइफल उठा ले गए, ये पोजीशन रही। उसके बाद हमने जब हम वो लोग निकल गए तब हमने 100 नंबर मिलाया, हमारे मोबाइल से नहीं मिल पाया, तो एक और आखिर वहाँ खड़ा था उसने 100 नंबर डायल किया, हमारे ड्राइवर ने 100 नंबर डायल किया, तब वहाँ 100 नंबर गाड़ी आई, फिर इंस्पेक्टर साहब आए, तब हमको थाने लाए, हमारी पूरी गाड़ी तोड़ दी, पूरी गाड़ी तोड़ी है, आप देख लेना वीडियो बना ले, पूरी गाड़ी तोड़ दी और कह दिया कि 8 दिन के अंदर इस्तीफा दे दो। अब हम तो ये सोच रहे हैं कि हम अब कहीं न जाएं, यहीं आत्मदाह कर लें कृष्णा नगर थाने में, जब हमें 8 दिन के बाद जिंदे नहीं रहना है तो अभी मर जाएं, और जो बेइज्जती हमारी हुई है, हम दलित हैं, हम जिंदा नहीं रह सकते, हम ब्लॉक प्रमुख नहीं बन सकते, जब ये है भाजपा सरकार में तो हमें मर जाना चाहिए, और हम मर जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे पूरे परिवार के साथ, अगर आज शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, हमारी सुरक्षा ठीक नहीं मुहैया कराई गई तो हम आत्मदाह कर लेंगे आज। वही पुलिस की माने तो ब्लॉक प्रमुख की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी। सर, ये जो असवा के ब्लॉक प्रमुख जी के साथ मारपीट हुई है, क्या घटना है सर, और अभी तक गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? असवा के ब्लॉक प्रमुख है राजकुमार जी है, इनके साथ एक घटना अभी हुई है, इनको मारा पीटा गया है और इनकी राइफल जो थी उसको ले गए हैं जैसा कि इनका कहना है, तो हम लोग अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं, अभी तहरीरें दे रहे हैं और हमारी टीम लगी हुई है अभी मौके पर पूरा करके, और इसमें एक्शन हम लोग लेंगे, पूरी चूंकि राइफल गई है और इनके साथ मारपीट हुई है, ये ब्लॉक प्रमुख हैं, सम्मानित पद पर हैं, उसकी छानबीन पकड़ के हम लोग कार्रवाई। थाने से 200 मीटर की दूरी पर 20 से 25 मिनट इनके साथ मारपीट हुई, सर पुलिस कहाँ थी? अभी ये देखा जा रहा है, ये इनका कहना है, बाकी हम लोगों ने बहुत ही तत्परता से कार्रवाई किया है और हमारे
आसपास के भी इंस्पेक्टर यहाँ आ गए मौजूद हैं और हमारे सभी चौकी इंचार्ज पूरा छानबीन कर रहे हैं। हम लोग तत्काल सीसीटीवी फुटेज निकलवाई सर, ये पूरी कार्रवाई हो रही है। अभी घटना काफ़ी मतलब 11:30 बजे की है, तो अभी मुश्किल से 2 घंटे हुआ है, लेकिन हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और संपूर्ण साक्ष्य संकलित करते हुए ही कार्रवाई करेंगे। सर, 3 राउंड फायरिंग की जो बात हुई है वो कितनी सच है? ये सभी विवेचना का पहलू है और हम लोग पूरी छानबीन करेंगे। अभी तक क्या छानबीन की सर? 2 घंटा हो गया, अभी तक क्या छानबीन की सर? विवेचना भी हो रही है, अभी तो पूछताछ हो रही है वादी से। ये इसी राइफल लेकर के गए हैं, तो हम लोग लूट की धारा है और मारपीट की सभी धाराएं जो लग सकती है। बहरहाल जिस तरह से चुनावी रंजिश में ये घटना दिन दहाड़े हुई है, वो भी थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर, उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर खाकी पर सवाल खड़े होना लाजमी है। मेरठ में आयकर विभाग की टीम ने गढ़ रोड स्थित हरीश मार्बल शोरूम पर छानबीन की। टीम ने देर रात तक प्रतिष्ठान की जांच करते हुए पूरा विवरण तैयार किया। आयकर विभाग के इस ऑपरेशन से शहर के व्यापारियों में हड़कंप मचा है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमें दस्तावेजों की छानबीन कर रही है। वही बताया जा रहा है कि आयकर छापों में बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। सिद्धार्थनगर जिले के सेंदुरी गांव में उस वक्त मातम छा गया जब आसमान से आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना पर तहसीलदार पुलिस के साथ पहुंचे और इस मौत को दैवीय आपदा बताते हुए जल्द ही परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने की बात कही है। गाँव में आज आए हैं, यहाँ एक आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने इसका निरीक्षण कर लिया है, यह काशी बिजली से गिरी है। ये देवी आपदा के अंतर्गत घटना आती है, इसको तत्काल प्रभाव से पोस्टमार्टम करा करके 5 लाख रुपया देवी आपदा से इसको चेक दिया जाएगा। आशीष कुमार, ये जो मृतक हैं ये आपकी कौन है? माँ। ये घटना कैसे हुआ है? चिड़ी की वजह से, आकाश बिजली फास्ट जा रही है पोस्टमार्टम के लिए। ये कौन सा गांव है? ग्राम पंचायत खदोई टोला सेवी। ये घटना कैसे क्या हुआ है? ये 2 बजे के करीब वही बादल जब उठा है तो उसी टाइम पर बहुत तेज आकाश से बिजली गिरी। एक खेत में लाइनरी का काम कटाने कर रही थी, उसी में है इसका घटना। ये महिला कौन? मंगरा देवी, जात अनुसूचित है, हरिजन। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।